लॉकडाउन के चलते पुलिस ने हिसार के पीरावली गांव में छापा मारकर कच्ची शराब बनाने की भट्टियों व गड्ढों से लाहन को नष्ट किया है। पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला भी कर दिया, जिससे 3-4 पुलिस कर्मचारियों को चोटें भी लगी हैं। वहीं पुलिस ने 70 से 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तथा 7 लोगों को नामजद किया है। यहां आपको बताते चले कि आईपीएस विक्रांत भूषण व ड्यूटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार के नेतृत्व में 3 घंटे के सर्च अभियान के तहत भट्टियों को तोड़कर 100 गड्ढों व 25 से 30 हजार कच्ची शराब लाहन को नष्ट किया गया। सदर थाना प्रभारी व आईपीएस अधिकारी विक्रांत भूषण ने बताया कि मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें 25 से 30 हजार लीटर लाहन को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान काफी लोग एकत्रित हुए, जिनमें कुछ लोगों ने मौके पर पुलिस से गाली गलौज की और कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए। इस मामले में 70 से 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 25 से 30 हजार लीटर लाहन कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि सरपंचों से कहा गया कि जो भी आरोपी हैं उन्हें पुलिस के सामने पेश किया जाएगा। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। बेसिकली जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से सूचना रेगुलरली बेसिस पर मिल रही है कि वहाँ पे हथकड़, कच्चे शराब और जो चलती भट्टियाँ वो चल रही हैं। हमने लॉकडाउन पीरियड में तकरीबन 10 मुकदमे दर्ज किए हैं कच्चे शराब के रिलेटेड। हमने कम से कम 5 से 6 रेड किए हैं और जिसमें हमने कम से कम 30 से 40 हजार लीटर लाहन को डिस्ट्रॉय किया है। वेनेसडे नाइट की बात है कि हमें एक सूचना मिली कि वहाँ पे भट्टियाँ चल रही हैं। जब हम मौके पे पहुँचे तो हमें 3 भट्टियाँ चलती दिखाई दे रही थी, पर उस टाइम पे जितने भी जो शरारती एलिमेंट्स थे, बैड एलिमेंट्स थे, उन्होंने हमारी 3 गाड़ियाँ गई हुई थी, जिसमें हमारे साथ इंसिडेंट कमांडर भी थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब। और जैसे ही हम उस एरिया पे पहुँचे जहाँ पे वो भट्टियाँ चल रही थी, तो गाँव के लोग जो बैड एलिमेंट्स थे उन्होंने गाली गलौज की और एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक से उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिए। तीनों गाड़ियाँ, जिसमें एक मेरी गाड़ी भी थी, तीनों गाड़ियों के शीशे टूटे गए हैं। फिर उसमें से 4 हमारे कर्मचारियों को लगी, जिसमें 4 की MLR काटी गई, जिसमें से 2 लेडी कॉन्स्टेबल थी, 1 SPO थे और 1 हमारे सब इंस्पेक्टर साहब थे। उन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है इन सब पे, और हमने इस केस में 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, 7 तो बाय नेम है और 70-80 हमने अननोन के अगेंस्ट पर्चा दर्ज किया है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए, और हम सरपंचेस के साथ भी कॉन्टैक्ट में हैं कि अगर वो पेश कर दें। और रही बात, हमने एक सोशल एस्पेक्ट में अवेयरनेस भी की थी, हमने गुरुद्वारा में पीरावाली के मीटिंग ली थी सरपंचेस, पंचेस, एक्स सरपंच, एक्स मेंबर्स, कि ताकि हम उनको बताएं कि लीगली अवेयर कि क्यों ये गलत है, इससे हूज ट्रेजेडी हो सकती है। देखिए, हमें अभी तक इंफॉर्मेशन मिल ही रही थी कि पीरावाली से शराब बनती है और अलग अलग हिसार के गांव में जाके इनकी सप्लाई होके बिक रही है। तो अभी बहुत ही अच्छा एक स्टेप ये लिया है SP साहब ने कि नाकाबंदी कर दी है, कि ताकि वहाँ से अवैध शराब अगर बनती है तो निकले ही नहीं। बाकी CIA की टीम भी अब मौके पे है, वो देख रही है कि जो भी अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, जो कि अक्यूज थे, जो वारदात पुलिस कर्मचारियों के अगेंस्ट हुई थी, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, कोई 5 से 6 हम अब तक रेड कर चुके हैं, कम से कम 60-70 हजार लीटर तक हमने लहान डिस्ट्रॉय किया होगा। अगर आप मौके पे देख के आएंगे कि ये कैसे बनाते हैं, तो वो जो एरिया है वहाँ पे गंदा पानी यूज़ होता है, गंदे लिफाफे, पॉलिथीन जिसमें ये बनाते हैं, आपको बोरियाँ दिखेंगी। अगर आप सच में हालात देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि ये किसी को पीने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना इसकी कोई मात्रा है कि कितना अल्कोहल परसेंटेज होगा, और इससे बहुत चांसेस हैं कि किसी की डेथ भी हो सकती है। देखिए, अगर हम इस पूरे पे हम अगर अच्छा शिकंजा बनाना चाहते हैं, तो हमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों रिड्यूस करनी पड़ेगी। सप्लाई साइड हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि पुलिस वहाँ पे बार बार रेड करे, पर्चे दर्ज करे, और डिमांड में हम ये जागरूकता करना चाहते हैं उन सबको जो कि शराब पीते हैं, कि आप मौके की हालात देखिए, ये बनती कैसे है, ये कितनी गंदगी में बनती है, तो ताकि हम सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों में प्रेशर करके रिड्यूस कर सकें, ताकि ये ना बिके और ना किसी की जान जा सके।
डिस्ट्रॉय, जैसे मैंने पहले कहा कि 60 से 70 हजार लीटर के तकरीबन हमने लहान डिस्ट्रॉय किया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.